नमस्कार व्यूअर्स, सज्जनों, सोचो, समझो और करो। ये वक्त बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा, आपको सोचना चाहिए कि बिजनेस कहाँ से शुरू करें। जी हाँ सज्जनों, पहला मामला आपका आता है कि बिजनेस आप कहाँ से शुरू करें, जीरो से शुरू करें या आपका पिता, आपके पिताजी द्वारा व्यवस्थित किया हुआ बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो बिजनेस संभालना चाहते हैं। इन दोनों बातों में से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपना बिजनेस जीरो से शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, या आपका पैतृक बिजनेस जो आपके पिताजी करते आ रहे हैं। इन दोनों डिसीजन में से एक डिसीजन आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। सज्जनों, इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप कब शुरू कर रहे हैं, ये बात भी आपको विशेष ध्यान देने की है। आप ज़्यादातर, मैंने नवयुवकों को देखा है, वो सोचते रहते हैं, देखेंगे, सोचेंगे और फिर करेंगे, और ऐसे करते करते वो एक नहीं, दो नहीं, तीन साल निकाल देते हैं। सज्जनों, ये गोल्डन टाइम है आपका, इस वक्त की कीमत कीजिए आप, इस वक्त का सही तकाजा समझिए आप, और ये वक्त निकल जाएगा और आप सोचते समझते ही रह जाएंगे। मैं कहूँगा सोचने में वक्त लगाइए, मगर इतना भी वक्त मत लगाइए कि वक्त ही आपको सोचने का मौका नहीं देवे। जी हाँ सज्जनों, अब बात आती है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। बिजनेस कई तरह के होते हैं, आप उनमें से कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई नया बिजनेस है तो अपने पिताजी के सामने, आपके जो गार्जियंस हैं उनके सामने वो प्लान आप प्रस्तुत कीजिए कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, आपका ये बिजनेस है। उसमें आप उनको सारी बात बताइएगा। पहला, आप उसमें बताइएगा कि मैं जो नया बिजनेस करना चाहता हूँ इसमें ये इन्वेस्टमेंट आएगा, और ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है। आप उन्हें पूरी बात खुल करके बताइए। मत घबराइए, पिताजी नाराज हो जाएंगे, नहीं होंगे। हर पिता अपने बेटे को कोई न कोई ऐसा बिजनेस करवा के देना चाहता है जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहे, लॉन्ग टर्म बिजनेस करता रहे। इसलिए आपके पिताजी भी आपकी उन सारी बातों को बहुत गहराई से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यदि आपके पास कोई प्लान है तो आप अपने पिताजी को, बड़े भाई को, या घर में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। सज्जनों, इसके बाद में आता है कि आपको कौन से काम का अनुभव है। सपोज कीजिए आप कॉलेज से नए नए निकले हैं तो आप इस मार्केट में, बिजनेस के मार्केट में फ्रेशर होंगे, और फ्रेशर के लिए आपको अनुभव प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में आपके गार्जियंस, आपके सीनियर सिटीजन्स, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो आपको राय देंगे कि पहले बेटे इस बिजनेस का आप अनुभव करो, अनुभव गोट करो, और अनुभव गोट करने के बाद में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने की संभावना होती है। सज्जनों, इसके बाद में आपको देखना चाहिए कि जो बिजनेस आपने प्लान बनाया है उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट है। सज्जनों, बिजनेस के प्रॉफिट में 5% से लेकर 25% तक के बिजनेस हैं। आप कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं, किस में कितना टर्नओवर होता है, क्योंकि बिजनेस के का प्रॉफिट है वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना टर्नओवर ज़्यादा होता है प्रॉफिट का रेशियो कम होता है, मगर ऑल एवरेज मिलाकर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इन बातों पर भी ध्यान करना पड़ेगा। और सज्जनों, एक बात और बताता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपकी लॉस खाने की कितनी कैपेसिटी है। सज्जनों, बिजनेस के दो पहलू होते हैं, लॉस और प्रॉफिट। 99% आदमी प्रॉफिट में रहते हैं, मगर 1% आदमी दुर्भाग्य से लॉस में आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको लॉस खाने की कैपेसिटी भी आप में होनी चाहिए। यदि आपकी लॉस खाने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं कहूँगा आपको अभी बिजनेस करने के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए और थोड़ा वक्त और दीजिए। ये जो मैंने पूरी बातें बताई हैं उनके ऊपर गहराई से सोचिए। अभी यदि आपकी लॉस खाने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है तो आप
थोड़ा वक्त और लीजिए, अपने अनुभव को और ज्यादा मजबूत कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बड़ा कीजिए और अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाइए। सज्जनों, आपकी अपनी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जो बिजनेस से संबंधित होते हैं। आप उन वीडियोज को देख करके, आप उन वीडियोज को दोस्तों में शेयर करके अपना और अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।